बार इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है दोस्तों। और इसी तरह अगर हम सब भाई लोगों ने मिलकर हमारी एकता दिखा दी तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट बार, यहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरे भारतवर्ष के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जो मैसेज जाएगा, ये मैसेज बहुत बड़ा परिवर्तन। जय भीम। मैं एडवोकेट विलास राउत, माजी जिला सरकारी वकील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तथा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जो बॉडी चुनकर आई है, वे पूरी की पूरी बॉडी यह हमारे थोर पुरुषों के विचारों की बॉडी है। दोस्तों बहुजन समाज के लोग इतने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली बार चुन के आए हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दोस्तों रोशन बागड़े सार के लिए हमने बहुत मेहनत की है। दोस्तों सबसे पहले मैंने रोशन बागड़े साहब के लिए तकरीबन 80 वकीलों को लेकर एक चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था डीबे के माध्यम से, और वो चेस टूर्नामेंट हमारे रोशन बागड़े साहब के लिए एक डिवोशन था मित्रों। और उस टूर्नामेंट के अंदर में सबसे पहला प्राइज जो है हमने रोशन बागड़े सर के हाथों हमने वहाँ मुकर्रर किया गया था। इसी तरह हमें जो प्रतिसाद मिला, उस प्रतिसाद के माध्यम से जगह जगह रोशन बागड़े सर का नाम बहुत ही ऊंचाई तक चला गया। उसके बाद में हमने कामठी में हमारी बहुत बड़ी संस्था है, जिस संस्था का नाम है तेजस सामाजिक संस्था। इस संस्था के अध्यक्ष सम्माननीय चंद्रशेखर एरिगुलवार जी, ये बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। उनके संस्था का मैं खुद लीगल एडवाइज़र हूँ। दोस्तों लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जिन जिन वकील लोगों ने हमारे वकील भाइयों के लिए और आम जनता के लिए जो अच्छे कार्य किए, तो हमारे संस्था की तरफ से हमने उनका तहे दिल से हमने उनका स्वागत किया। और इस स्वागत समारंभ, हमारा जो भव्य स्वागत समारंभ हुआ, उस स्वागत समारंभ के अंदर में हमारे नवनियुक्त डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट सम्माननीय एडवोकेट रोशन बागड़े सर आए थे। उसके बाद में हाईकोर्ट के एडवोकेट जो सबसे सुपरिचित है सम्माननीय भांडारकर सर, और पुराने हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट सम्माननीय कमल सतुजा सर, इन तीनों का हमने हमारे संस्था के माध्यम से कामठी कंटोनमेंट के हॉल में हमने बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने उनका स्वागत किया। और उस स्वागत की जो न्यूज़ थी, उस स्वागत के कई चैनल लोगों चैनल ने वो स्वागत का जो है उनके ये एक्सपीरियंस अनुभव ये कहाँ कहाँ दूर दूर तक गए। कई हजारों लोगों ने रोशन बागड़े सर के स्पीच और बाकी हमारे सम्मानी वकीलों के स्पीच सुने। दोस्तों इससे एक मैसेज गया पूरे हमारे वकालत के फील्ड में, बहुत बढ़िया मैसेज गया। उसके बाद में दोस्तों हमने रोशन बागड़े सर के लिए हमने घर घर जाके जिस तरह से उनके लिए हमने कार्य किए, और जिस तरह से हमने सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हमने उनके प्रति जो भावना तैयार की, खास तौर से एससी एसटी ओबीसी विजेंटी माइनॉरिटीज क्रिश्चियन दलित, इन सब लोगों के, इन सब धर्म के लोगों ने, इन सब वकीलों ने जॉइंटली रोशन बागड़े सर के लिए हम काम किया। दोस्तों पहली बार ऐसा हमें महसूस हुआ कि हमारा हमारा जो नेता है, हमारा जो प्रेसिडेंट है, ये पहली बार बहुजन समाज से आ रहा है। दोस्तों ये हमें बड़ी खुशी हुई, इस बार इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। दोस्तों और इसी तरह अगर हम सब भाई लोगों ने मिलकर हमारी एकता दिखा दी तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट बार, यहाँ से जो मैसेज जाएगा पूरे भारतवर्ष के अंदर में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से जो मैसेज जाएगा, ये मैसेज बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। दोस्तों और हम अंबेडकरवादी लोग हैं, अंबेडकर के विचार को मानने वाले लोग हैं। इस देश में जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि स्वतंत्र समता बंधुता ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिस डॉक्टर अंबेडकर को पूरी विश्व उनको पूछता है, पूरा विश्व उनके ब्रिलियंस को मानता है, और यहाँ इंडिया के अंदर में हमारे कोई मनुवादी भाई लोग हैं आज भी उनके ब्रिलियंस उनके माइंड को मानते नहीं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन आज ऐसी जागृति होती जा रही दोस्तों धीरे 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 कि आज ये बहुजन समाज का हर व्यक्ति बाबा साहब के विचार से चलने वाला व्यक्ति दोस्तों, और आप आने वाले दिनों में हमें बहुजन एकता सबसे बड़ी बड़े पैमाने पे हमें दिखाई देंगी। दोस्तों धन्यवाद सबके, सप्रेम जय भीम, थैंक यू मेरे दोस्तों।